हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक इंग्लिश की स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ। स्टोरी का नाम है मोती गुज मोटी नियर। इस स्टोरी में एक हाथी के बारे में बताया गया है, हाथी और उसके मालिक के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में। शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया। एक समय की बात है, भारत में एक कॉफ़ी प्लांटर था जो कि कॉफ़ी का बागीचा लगाया करता था। वो हु विश टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग, जो कि जंगल की कुछ ज़मीनों को जंग कुछ जंगल पे जंगल की कुछ ज़मीनों पर सफाई करना चाहता था, मतलब जंगल को काटना चाहता था ताकि वो वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटिंग कर सके, यानी कि कॉफ़ी का प्लांट लगा सके। वेन ही हैड कट डाउन ऑल द ट्रीज, जब उसने सभी पेड़ों को काट दिया, द स्टम्प्स स्टिल रिमेंड, लेकिन उसका जो स्टम्प होता है ट्री का, जो मेन नीचे का जो पोर्शन होता है जड़ के साथ जो स्टम्प बच जाता है, वो बच गया था। ऊपर का तो पूरा वो काट दिया था, लेकिन नीचे का भाग जो होता है, नीचे का पार्ट, वो बच गया था। द हैप्पी मीडियम फॉर स्टम्प क्लियरिंग इज द लॉर्ड ऑफ ऑल बीस्ट, हु इज द एलिफेंट। और उस स्टम्प को हटाने का सबसे अच्छा तरीका था हाथी, मतलब हाथी के द्वारा उस स्टम्प्स को हटाया जा सकता था। ही विल आइदर पुश द स्टम्प आउट ऑफ द ग्राउंड विथ हिज टस्क। और हाथी क्या करता, वो ग्राउंड से अपने टस्क के द्वारा सारे स्टम्प्स को धक्का दे करके उखाड़ देता। इफ ही हैज एनी, और ड्रैग इट आउट विथ रोप्स, और रोप्स के द्वारा उसे, या फिर रोप्स के द्वारा उसे खींच करके हटा देता। ठीक है। द प्लांटर देयर फोर हायर्ड एलिफेंट्स बाय वन एंड टूज एंड थ्रीज। तो इसलिए प्लांटर जो था वो एक दो तीन करके एलिफेंट को हायर किया, हाथियों को हायर किया, एंड फेल टू वर्क, और काम पर लगा दिया। द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स बिलोंग टू द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राइवर्स और महाउथ्स। मतलब जो सबसे अच्छा हाथी था, सबसे अच्छा हाथी, उसका जो ड्राइवर था, उसका जो महौत था, जिसका वो हाथी था, वो सबसे खराब था। यानी कि जो सबसे अच्छा हाथी था उसका मालिक सबसे ज्यादा खराब था। एंड दिस सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती गुज, और उस हाथी का नाम क्या था, मोती गुज। ही वाज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महौत, विच वुड नेवर हैव बीन द केस अंडर नेटिव रूल। और वो पूरी तरह से अपने मालिक के कंट्रोल में था। फॉर मोतीगुज वॉज अ क्रिएचर टू बी डिजायर्ड बाई किंग्स, एंड हिज नेम बींग ट्रांसलेटेड मीन्ट द पियर इन एलिफेंट्स। और जो मोतीगुज था वो ऐसा क्रिएचर था, ऐसा जीव था जिसकी इच्छा राजा लोग करते थे, यानी कि उस तरह के हाथी को राजा लोग रखने की इच्छा करते थे। और उसका जो नेम था वो हाथियों में सबसे ऊपर के स्थान पर था। उसको पियर्स इन एलिफेंट में गिना जाता था। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन द लैंड डिसा, द महाउथ इंजॉयड हिज प्रॉपर्टी अनडिस्टर्ब। अब क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, तो जो डेसा था, उस हाथी का जो महाउत था, वो बहुत इंजॉय करता था भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छे से वो इंजॉय करता था, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। व्हेन ही हैड मेड मच मनी थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एलिफेंट, जब वो अपने हाथी द्वारा बहुत सारे पैसे कमा लेता था, ही वुड गेट एक्सट्रीमली ड्रंक एंड गिव मोती गूज अ बीटिंग विथ अ टेंट पेग ओवर द टिंडर नेल्स ऑफ द फोर फीट। तो क्या करता था वो,
जब वो अपने हाथी के द्वारा बहुत सारा पैसा कमा लेता था तो वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता था, और फिर मोती गूंज को जो हाथी था उसे बहुत मारता था। मोती गूंज नेवर ट्रैम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ देशा ऑन दीज ओकेजन्स, फॉर ही न्यू दैट आफ्टर द बीटिंग वॉज ओवर, देसा वुड एम्बैरेस हिज ट्रंक एंड वीप एंड कॉल हिम हिज लव एंड हिज लाइफ एंड गिव हिम सम लिक्वर। मतलब मोती गुज कभी भी उसके ऊपर उसका विरोध नहीं करता था। जब देसा उसे मारता था तो मोती गुज कभी भी उसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि जब उसका उसकी पिटाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो मोती गुज की सूंड पकड़कर बहुत रोएगा और उसे बोलेगा, उसे बहुत प्यार करेगा, और फिर उसे लिक्वर, यहाँ लिक्वर का मतलब हुआ फिर उसे शराब देगा। मोती गुज वॉज वेरी फाउंड ऑफ लिक्वर, मोती गुज को शराब बहुत पसंद था। देन देसा वुड गो टू स्लीप बिटवीन मोती गुज 4 फीट। उसके बाद देसा क्या करता था, मोती गुज के पैरों के पास जाकर के सो जाता था। देयर वॉज नो स्लीपिंग इन द डे टाइम ऑन द प्लांटर्स क्लियरिंग, और डे टाइम में जिस समय प्लांट को क्लीन किया जाता था, प्लांटर क्लियर का काम किया जाता था, उस समय सोने का वक्त नहीं मिलता था। देसा सेट ऑन मोती गुज नेक एंड गेव हिम ऑर्डर। देसा जो था वो मोती गुज के गले पे बैठता था और उसे ऑर्डर देता था। वाइल मोती गुज रूटेड अप द स्टम्प्स फॉर ही ओन्ड अ मैग्निफिशेंट पेयर ऑफ टस्क, और जब मोती गुज उस स्टम्प को जड़ से उखाड़ता था, उसकी जो शानदार टस्क थे, यानी कि उसके जो दांत थे, पेयर ऑफ टस्क, उसके जो शानदार दांत थे उसके द्वारा वो स्टम्प्स को खींच करके निकालता था, और पुल्ड एट द एंड ऑफ अ रोप फॉर ही हैड अ मैग्निफिशेंट पेयर ऑफ शोल्डर्स। तो वो उसके पास बहुत ही शानदार टस्क थे, दांत थे, बहुत ही शानदार सूंड था जिसके द्वारा वो पूरे स्टम्प्स को खींच करके निकाल करके फेंक देता था। While Desa kicked him behind the ears, and said he was the king of elephants. और डेसा क्या बोलता था उस समय, उसे किक करता था और बोलता था उसके कान में कि तुम हाथियों के राजा हो। At evening time, शाम के समय, मोती गुज वुड वॉश डाउन हिज 300 pounds वेट ऑफ ग्रीन फूड विथ लिक्वर, एंड डेसा वुड टेक अ शेयर एंड सिंग सॉन्ग्स बिटवीन मोती गुड्स लेग्स टेल इट वॉज टाइम टू गो टू बेड। उसके बाद जब शाम होती थी तो मोती गुज पूरी तरह से उसे अपने उसका जो 300 pound का जो वेट था उसका, उसको पूरी तरह से साफ किया जाता था, फिर उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता था, ग्रीन फूड दिया जाता था और शराब दिया जाता था, और डेसा उसमें शेयर लेता था, यानी कि डेसा भी शराब लेता था और फिर हाथी को भी वो शराब देता था, और गाना गाते हुए उसके पैरों के बीच बैठ जाता था जब तक कि सोने का समय नहीं होता है। वंस अ वीक डेसा लेट मोती गुज डाउन टू द रिवर, सप्ताह में एक बार डेसा मोती गुज को नदी के पास ले जाता था। एंड मोती गुज ले ऑन हिज साइड लग्जीरियस इन द सैलो व्हाइल डेसा वेंट ओवर हिम विथ अ कोर स्वाब एंड अ ब्रिक। और डेसा मोती गुज क्या करता था, सप्ताह में एक बार डेसा मोती गुज को नदी के पास ले जाता था, और मोती गुज अपने शानदार तरीके से जहाँ पर उथला रहता था वहां पे वो बैठ जाता था, और जो डेसा था वो एक ईंट लेकर के वहां बैठता था। मोती गुज नेवर
मिसटूक द पाउंडिंग ब्लो ऑफ द लेटर फॉर द स्मैक ऑफ द फॉर्मर दैट वॉर्न्ड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर ऑन द अदर साइड. मोती घुस कभी भी गलती नहीं करता था. वो हमेशा डेशा को वार्न कर देता था, कोई भी जैसे कि वो चल रहे कोई भी खतरा आने से पहले डेशा को वो पहले ही वार्न कर देता था ताकि वो दूसरे साइड पे चला जाए. देन डेशा वुड लुक एट हिज फीट एंड एग्जामिन हिज आइज एंड टर्न अप द फिंगर्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स. उसके बाद डेशा जब वो ऐसा करता था, डेशा को कुछ बोलता था, तब डेशा उसकी आंखों को देखता था और फिर उसके कानों में उंगली फिंगर डाल देता था. आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड्स कैम कम अप विथ अ सॉन्ग फ्रॉम द सी. और इतना सब करने के बाद वो दोनों गाना गाते हुए समुद्र से वापस आते हैं. मोती गुज ऑल बैक ब्लैक एंड शाइनिंग वेविंग अ टॉर्न ट्री ब्रांच 12 feet लॉन्ग इन हिज ट्रंक एंड डेसा नॉटिंग अप हिज ओन लॉन्ग वेट. और जो मोती गुज था वो पूरा ब्लैक कलर का था, चमकीला था, वो अपना हिलते हुए आता था और जो डेसा था वो अपने लंबे बाल जो कि पूरे गीले थे उसे हिलाते हुए दोनों गाना गाते हुए नदी के पास से शाम को वापस लौट आते थे. इट वॉज अ पीसफुल वेल पेड लाइफ टिल डेसा फेल द रिटर्न ऑफ द डिजायर टू ड्रिंक डीप. और जब तक कि डेसा वापस शराब पीने की इच्छा डेसा को नहीं होती थी तब तक जो डेसा मोतीगुज और डेसा की जो लाइफ थी वो बहुत पीसफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, जब तक कि डेसा को शराब पीने की इच्छा नहीं होती है. ही वुड वेन टू द प्लांटर एंड सेड माई मदर हैज डाइड. और जब डेसा को ये इच्छा हुई तो वो प्लांटर के पास गया और बोला कि मेरी माँ मर गई है. सी डाइड ऑन द लास्ट प्लांटेशन 2 months ago and she died once before that when you were working for me last year, said the planter. Planter क्या बोलता है कि वो तो 2 महीने पहले जब मैं प्लांटेशन कर रहा था उस समय भी तुम्हारी माँ मरी थी और 1 साल पहले जब तुम मेरे लिए काम कर रहे थे उस समय भी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ मर गई है. Then it's my aunt. उसके बोलता है कि नहीं ये मेरी आंटी है. एंड सी वॉज जस्ट द सेम एज अ मदर टू मी. और वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, डेसा बोलता है. सी हैज लेफ्ट 18 स्मॉल चिल्ड्रन इंटायरली विदाउट ब्रेड. और उन्होंने अपने 18 बच्चों को भूखे मेरे भरोसे छोड़ दिया है. एंड इट इज आई Who must fill their little stomach. और ये सिर्फ मैं हूँ जो मैं उनके छोटे पेट को भर सकता हूँ, said Desa. Desa ने कहा. Who brought the news? said the planter. Planter फिर पूछता है कि तुम्हें ये news किसने दिया. The post, said Desa. Desa बोलता है post के द्वारा मुझे ये news मिला. There has not been a post here for the past week. Get back to your work. तो मालिक जो था प्लांटर था वो बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से तो कोई पोस्ट आया नहीं है तो तुम चुपचाप अपने काम पर लग जाओ. मालिक समझ गया कि वो बहाना बना रहा है. अ हाइबोक सिकनेस हैज फॉलन ऑन माय विलेज एंड ऑल माय वाइफ्स आर डाइंग, येल्ड डेसा रियली इन टीयर्स दिस टाइम. अब डेसा को दूसरा बहाना सूझा. वो क्या बोला कि मेरे गांव में महामारी फैल गई है और जो मेरी पत्नियां थी वो सब मर रही है. अपने आंखों में आंसू लेकर के वो इस तरह से बोलता है. कॉल चिंचू हु कम्स फ्रॉम डेसाज विलेज सेड द प्लांटर. चिंचू हैज दिस मैन गॉट अ वाइफ. तो उसने चिंचू को बुलाया जो कि डेसा के गांव से ही था और चिंचू से पूछता है क्या डेसा की कोई पत्नी है. ही सेड चिंचू इसकी
नो, नॉट अ वुमेन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम. मेरे गांव की कोई भी औरत जो है, कोई भी वुमेन इसकी तरफ नहीं देखती है. दे डिड सूनर मैरी द एलिफेंट. वो लोग हाथी से शादी करना मंजूर करेंगी, लेकिन इससे नहीं. इस तरीके से वो डेसा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है. चिंचू स्नॉटेड, डेसा वेप्ट एंड विलोड. मतलब चिंचू जो है वो बहुत ऐसे गर्राते हुए बोलता है, तो डेसा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो रोते हुए बोलता है कि यू विल गेट इन टू अ डिफिकल्टी इन अ मिनट सेट द प्लांटर, गो बैक टू योर वर्क. तो प्लांटर बोलता है, दोनों की बातें सुनकर प्लांटर बोलता है कि डेसा तुम चुपचाप जाकर के अपना काम करो. नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ, गर्ल डेसा. डेसा बोलता है कि अब लगता है मुझे सच बोलना पड़ेगा. विथ एन इंस्पिरेशन, आई हैव नॉट बीन ड्रंक फॉर 2 months. रेशा बोलता है कि मैं पिछले 2 महीनों से शराब नहीं पिया हूँ. आई डिजायर टू डिपार्ट इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपरली ड्रंक अफार ऑफ द डिस्टेंट फ्रॉम दिस हेवनली प्लांटेशन. उसका रेशा बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस स्वर्गीय वृक्षारोपण से कुछ समय के लिए दूर चला जाऊं, ताकि मैं पूरी तरीके से शराब पी सकूं. दस आई सेल काउज नो ट्रेवल. इस प्रकार मुझे कोई परेशानी नहीं होगी. इस तरह से डेसा सब पूरी सच्चाई के साथ को बोल देता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे शराब पीना है. पिछले 2 महीनों से मैंने शराब नहीं पिया है. अ फ्लिकरिंग स्माइल क्रॉस द प्लांटर्स फेस. डेसा सेड ही, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ एंड आई डिड गिव यू लीव ऑन द स्पॉट ऑफ एनी थिंग कुड बी डन विथ मोती गूस वाइल यू आर अवे. क्या वो प्लांटर था, वो स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो हाथी है, तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर रहेगा. यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर ऑर्डर्स. तुम्हें पता है कि वो सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर्स को ही फॉलो करता है. डेसा कॉल्ड मोती गुज इन हिज स्ट्रेंज लैंग्वेज एंड सेड, लाइट ऑफ माई हार्ट गिव ईयर, सेड डेसा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके बाद वो मोती को बुलाता है और उसके कान में बोलता है, और उसके सामने खड़े होकर के उसके कान में कुछ बोलता है. मोती गूस गेव ईयर एंड स्लाउटेड विथ हिज ट्रंक. आई एम गोइंग अवे, सेड डेसा. मोती गूस उसे अपने कान देता है और डेसा उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ. मोती गूस आईज ट्विंकल्ड. और मोती गूस का जो आंखें थी वो चमक गई. ही लाइक जाउंट्स एज वेल एज हिज मास्टर. उसे घूमना बहुत पसंद था, जैसे कि उसके मास्टर को पसंद था. वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड देन. और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जैसे लगा कि रोड साइड से किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया. बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क. डेसा क्या बोलता है, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा और काम करना होगा. द ट्विंकल डाइड आउट एज मोती गुस ट्राइड टू लुक डिलाइटेड. और जो मोती गुस की जो आंखों की चमक थी वो चली गई, और वो कोशिश कर रहा था कि वो खुश दिखे. आई शैल बी गॉन फॉर 10 days. डेसा टुक अ टेंट पेग एंड बैंग मोती गुस 10 times ऑन द नेल्स. और डेसा जो है टेंट पेग लेता है और मोती गुज के पैरों के सामने, पैरों का जो नेल्स था उसमें 10 times बैंक करता है. और मोती गुज क्या करता है, मोती गुज ग्राउंडेड एंड सफल फ्रॉम फुट टू फुट. और मोती गुज अपने दोनों अपने पैरों पर बहुत जोर जोर से दूर दूर तक उछलता है. 10 days, सेड डेसा, यू विल वर्क एंड हाउल एंड रूट द ट्रीज एज चिंचू हियर सेल्फ ऑर्डर यू. और डेसा बोलता है कि 10 दिनों के लिए तुम्हें चिंचू के अंडर काम करना होगा, यानी कि 10 दिन के लिए चिंचू ही तुम्हारा मालिक होगा. टेक अप चिंचू एंड सेट हिम ऑन योर नेक. वो बोलता है चिनू को बोलता है
कि इसे लो और इसे इसके कन इसके नेक पर बैठो। मोती घुस कर द टिप ऑफ हिज ट्रंक, चिनू पुट हिज फुट देयर। और मोती घुस क्या करता है, अपने सूंड को नीचे की तरफ करता है, जो चिनू था उसके सूंड पे पैर रख करके ऊपर की तरफ चढ़ता है। एंड वॉज स्वांग ऑन द नेक, और नेक पे बैठ जाता है। देसा हैंडेड चिनू द हैवी अंग्स द आयरन एलिफेंट गॉड, और जो डेसा था वो चिनू को अपना हाथी सौंप कर चला जाता है। चिनू इज योर महाउट फॉर 10 days एंड नाउ बिड मी गुड बाय बीस्ट आफ्टर माइन ओन हर्ट। और डेसा बोलता है कि अब से तुम्हारा मालिक चिनू है, अब मुझे गुड बाय करो, 10 दिनों के लिए चिनू तुम्हारा मालिक है। ओ माई लॉर्ड माई किंग ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट, और इस तरह से एलिफेंट को वो बोलता है कि तुम हाथियों में सबसे अच्छे हाथी हो, तुम लॉर्ड तुम हाथियों के राजा हो, इस तरह से वो हाथी को बोलता है। मोती घुस लैफ्ट हिज ट्रंक राउंड डेसा एंड स्वांग हिम इन टू द एयर ट्वाइस। मोती घुस क्या करता है, अपने सूंड से डेसा को उठाता है और 2 बार हवा की तरफ उछालता है। एंड दैट वाज हिज वे ऑफ वेडिंग हिम गुड बाय, और ये तरीका था उसका गुड बाय बोलने का। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम इस स्टोरी को पूरा कर देंगे, ठीक है।